नमस्कार, रामकन्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पवार। अनामिका की उम्र उस वक्त महज 14 साल थी जब परिवार ने उनकी शादी तय कर दी। अंबिका के पति पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी को देखते हुए सभी इस शादी के लिए राजी भी हो गए। शादी के बाद कुछ वक्त बीता तो अंबिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। 18 साल की होते होते वो दो बच्चों की माँ बन गई। ध्यान रखने वाला पति, सरकारी नौकरी, दो बच्चे और हंसता खेलता परिवार। अंबिका की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अंबिका ने एक बड़ा फैसला ले लिया। यह फैसला था आईपीएस अधिकारी बनने का। इस फैसले को सुनकर सब चौंके, क्योंकि खेलने कूदने की उम्र में जिसकी शादी हो गई हो, जिसके ऊपर परिवार के अलावा दो दो बच्चों की जिम्मेदारी हो, उसके लिए आईपीएस बनना तो दूर, सोचना भी असंभव जैसा था। अंबिका के आईपीएस बनने की कहानी शुरू करें इससे पहले आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। वो गणतंत्र दिवस का दिन था। अंबिका अपने बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने पहुंची। परेड के दौरान अंबिका ने अपने कांस्टेबल पति को आईपीएस अधिकारियों को सैल्यूट करते हुए देखा। उसने देखा कि आईपीएस अधिकारियों को एक अलग ही सम्मान मिलता है। बस यही बात अंबिका के दिल को लग गई। उन्होंने ठान लिया कि आईपीएस अधिकारी बनेंगी। पति ने सुना तो पहले मजाक में टाल दिया। बात ही कुछ ऐसी थी, कोई नहीं सोच सकता था कि दो बच्चों की माँ एक दिन आईपीएस बनकर दिखा देगी। कुछ लोग बहुत कम उम्र में अपने जीवन के सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प कायम रहता है और वे असाधारण सफलता के साथ जीवन में वापसी करते हैं। हम बात कर रहे हैं आईपीएस अनामिका की, जिन्होंने अपनी कहानी बनाई और सफलता की मिसाल कायम की। अनामिका ने बाल विवाह की प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए तमिलनाडु में 14 साल की छोटी उम्र में एक पुलिस कांस्टेबल से शादी कर ली। 18 साल की उम्र में वह दो बेटियों की मां बन गई थी। हालांकि वह कायम रही और अविचलित रही और अपने खोए हुए सपनों पर फोकस किया। उनकी आईपीएस की जर्नी की शुरुआत गणतंत्र दिवस परेड से हुई, जहां उनके पति के आईपीएस अधिकारियों को सलाम ने उन्हें आईपीएस बनने के लिए मोटिवेट किया। इसके बाद अंबिका का आईपीएस अधिकारी बनने का सफर 10वीं क्लास पूरी करने से पहले ही शुरू हो गया। बिना किसी डर के उन्होंने एक प्राइवेट संस्थान से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह यूपीएससी की तैयारी के लिए चेन्नई चली गई। इस बीच उनके पति ने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को निभाते हुए अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। किसी ने क्या खूब कहा है कि बस मेहनत करो, बिना वक्त देखकर एक दिन वक्त बदलेगा तुम्हारी मेहनत देखकर। इन बात को सच कर दिखाया है आईपीएस ऑफिसर अनामिका ने। तमिलनाडु की रहने वाली अनामिका ने मंजिल तक पहुंचने के लिए रात दिन तैयारी की और यूपीएससी की परीक्षा में बैठी। पहले प्रयास में ही उन्हें असफलता मिली, फिर दूसरी और तीसरी कोशिश भी नाकामयाब रही। उनके पति की हिम्मत कुछ टूट गई और कहा कि वापस घर चलते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि बस मेहनत करो, बिना वक्त देखकर एक दिन वक्त बदलेगा तुम्हारी मेहनत देखकर। इन बात को सच कर दिखाया है आईपीएस ऑफिसर अनामिका ने। तमिलनाडु की रहने वाली अनामिका ने मंजिल तक पहुंचने के लिए रात दिन तैयारी की और यूपीएससी की परीक्षा में बैठी। पहले प्रयास में ही उन्हें असफलता मिली, फिर दूसरी और तीसरी कोशिश भी नाकामयाब रही। उनके पति की हिम्मत कुछ टूट सी गई और कहा कि वापस घर चलते हैं, लेकिन अंबिका की हिम्मत ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि वो एक आखिरी बार फिर से कोशिश करना चाहती है। उन्होंने रणनीति बदलकर एक बार फिर तैयारी शुरू की। अंबिका की मेहनत रंग लाई। आखिरकार 2008 की यूपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट में अंबिका का नाम आ गया। अंबिका ने दिखा दिया था कि अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अंबिका ने साल 2008 में अपना
चौथा अटेम्प्ट किया दिया था। इस बार उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली और अपने आईपीएस बनने के सपने को साकार कर दिखाया। ट्रेनिंग के बाद अंबिका को महाराष्ट्र कैडर में पोस्टिंग मिली। अंबिका आज मुंबई में जोन 4 की डीसीपी के पद पर तैनात है। कुछ लोग बहुत कम उम्र में अपने जीवन के सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प कायम रहता है और वे असाधारण सफलता के साथ जीवन में वापसी करते हैं। हम बात कर रहे हैं आईपीएस एन अंबिका की, जिन्होंने अपनी कहानी बनाई और सफलता की मिसाल कायम की। एन अंबिका ने बाल विवाह की प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए तमिलनाडु में 14 साल की छोटी उम्र में एक पुलिस कांस्टेबल से शादी कर ली। 18 साल की उम्र में वह दो बेटियों की मां बन गई थी। हालांकि वह कायम रही और अविचलित रही और अपने खोए हुए सपनों पर फोकस किया। उनकी आईपीएस की जर्नी की शुरुआत गणतंत्र दिवस परेड से हुई, जहां उनके पति के आईपीएस अधिकारियों को सलाम ने उन्हें आईपीएस बनने के लिए मोटिवेट किया। इसके बाद अंबिका का आईपीएस अधिकारी बनने का सफर 10वीं क्लास पूरी करने से पहले ही शुरू हो गया। बिना किसी डर के उन्होंने एक प्राइवेट संस्थान से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह यूपीएससी की तैयारी के लिए चेन्नई चली गई। इस बीच उनके पति ने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को निभाते हुए अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। किसी ने क्या खूब कहा है कि बस मेहनत करो, बिना वक्त देखकर एक दिन वक्त बदलेगा तुम्हारी मेहनत देखकर। इन बात को सच कर दिखाया है आईपीएस ऑफिसर एन अंबिका ने। तमिलनाडु के रहने वाली एन अंबिका ने मंजिल तक पहुंचने के लिए रात दिन तैयारी की और यूपीएससी की परीक्षा में बैठी। पहले प्रयास में ही उन्हें असफलता मिली, फिर दूसरी और तीसरी कोशिश भी नाकामयाब रही। उनके पति की हिम्मत कुछ टूट गई और कहा कि वापस घर चलते हैं।